जौनपुर जिले के बुद्धिपुर गांव में मैं उपस्थित हूं और हमारे गांव के लोग यहां पर अधिकांश शौचालय से लोग पीड़ित हैं। जहां पर लोग खेत में जाते हैं शौच के लिए तो वहां पे उनको निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं उषा पटेल और ये रहा मेरा समुदाय। आपका नाम कहाँ है? जगरानी। आप शौच के लिए बाहर जाती हैं या घर पर व्यवस्था है? नहीं, बाहर जाती हैं। तो बाहर जाने में कुछ कठिनाई होती है? बहुत कठिनाई बाहर जाए में, मतलब दिक्कत भाई कर के रहना रात बिरात, मतलब कभो पेट बिगड़ गए या कौनो दिक्कत है और कर के रहना कभी काटी ले। जैसे शौचालय बिना प्रधान के लगे आप सब कुछ बात करे रहें? शौचालय के लिए बात हम सब रखी रही समूह द्वारा, रहा एक आध दो बार बैठक भे रहा, लेकिन वो का कहें कि हर महिलान के हर घरे तो हम शौचालय बनवा नहीं सकब, काट के हिसाब से शौचालय दे, और फिर भी शौचालय हम हर घरे बनवाई ने ओकर 2200 रुपया हम दे देव, अपन अपन दे के जगह बनवा ली है, तो 2200 रुपया में कहाँ शौचालय हुई। शौचालय के लिए तो सबको बनना अति आवश्यक है, लेकिन अभी शौचालय तो दिए हैं 80 ठो, लेकिन अभी एक भी शौचालय ग्राम सभा में बना ही नहीं। जैसे घर में शौचालय रहने से क्या फायदा होगा, कुछ आपके मन में है अच्छाई? हाँ, फायदा ये है कि मतलब बहन बिटिया मतलब बारिश गर्मी मतलब बाहर कहाँ जाइ है ना जगह बा, घर में ही फायदा बा। अब बहरे अपनी खेतारी में तो मतलब ओकरे साथे जने जा अना दू चार लड़की जा संगे, वो दिक्कत परेशानी दूर बा। मान लो कौनो लोग अंडा कत्तू के देख मिल गल, मान लो कौनो परेशानी हो गल तो के देखी। यह वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ कि क्योंकि ये जगरानी देवी की ही समस्या नहीं है, उसी गांव से मैं भी जुड़ी हूँ और उस परेशानी से मैं भी गुजर रही हूँ। और हमारे गांव की लगभग जो भी आबादी है 3,500-4,000 के आसपास, काफ़ी उन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे दूसरे खेत में जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे खेत में मत बैठिए, उल्टा सीधा गाली दे देते हैं। हमारा ये अनुरोध है कि विकास खंड अधिकारी का नंबर ये है 9454465277, पे विकास खंड अधिकारी पे कॉल करके उन पे दबाव कर डालें। मैं उषा पटेल, ग्राम बुद्धिपुर, ब्लॉक रामनगर, जिला जौनपुर, यूपी, इंडिया नहर के लिए।